hello my dear students welcome in my youtube channel in this video lecture i am going to discuss about pituitary gland this is one of the very important gland so first thing i want to tell you about pituitary gland that it is also known as master gland why it is called master gland students this gland is called master glands because it will control and it will regulate the secretion of all other hormones which are secreted from endocrine glands. So you can write here Kis kom master gland this bolte hai? because it regulates in your exam. Many time. it questions this type of question will come. Why pituitary gland is called master gland? Because it regulates secretion of. हारमोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड दूसरी बात स्टूडेंट्स हम लोग इसके बारे में ये डिस्कस करते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पर होती है तो इसकी लोकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस होता है इट इज जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस इन ब्रेन हाइपोथैलेमस के नीचे ब्रेन के ब्रेन में इसकी लोकेशन है और ये बहुत ही स्मॉल साइज का पी साइज जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जिसका कि साइज पी से हम लोगों ने कंपेयर किया है पी साइज ग्लैंड और कभी भी क्वेश्चन इसके साइज वगैरह से नहीं आता है लोकेशन से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और क्वेश्चन ऐसा भी आया इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट विल वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में क्या डिफरेंस है क्या पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करता है या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को करता है तो इसको इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहूंगी क्लियर कट कि जो हाइपोथैलेमस है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन्स टू द पिट्यूटरी जो हमारा हाइपोथैलेमस है जो कि एक ब्रेन का पार्ट है ये क्या करेगा मैसेज को सेंड करेगा इट विल सेंड द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स के फॉर्म में किसको मैसेज सेंड करेगा पिट्यूटरी को सेंड मैसेज दूसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो पिट्यूटरी इन टर्म क्या सीक्रीट करेगा डायरेक्टली इट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर अदर हार्मोन्स तो जो हाइपोथैलमस और जो पिट्यूटरी ये जो और जो और पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों ही कंट्रोल सेंटर हैं दे बोथ आर कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी क्यों इसको कंट्रोल सेंटर बोलते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं एग्जाम में बिकॉज इट कोऑर्डिनेट And integrate, coordinate and integrate various systems of physiological processes. ya आप various systems likh sakte hain Next point हम लोग ये देखते हैं कि जो pituitary gland है, उसको मैंने आपको बताया कि it will work under the influence of hypothalamus, सीके जो पिट्यूटरी वो अटैच है इन फंडी बुलम दैट स्ट्रक्चर इज स्टूडेंट्स व्हाट इट इज कॉल्डी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग uh, लो इसके थोड़े से डिविजन uh, पे चलते हैं कि व्हाट आर पिट्यूटरी तो पिट्यूटरी तीन पार्ट हैं स्टूडेंट्स uh, पिट्यूटरी तीन पार्ट्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूट्री तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे ये देखना है कि जो एंटीरियर पिट्यूट्री है वो कहाँ पर है और कौन से हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है ही डिफरेंट कलर जस्ट टू डिफाइन ऑल द हारमोन्स तो एंटीरियर हार्मो एंटीरियर पिट्यूट्री से निकलने वाला है पहले हम लोग एंटीरियर पिट्यूट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस से कुछ पोर्टल वहां पे ब्लड वेसल से जिनके पास वेनस ब <coughs> तो कभी भी इनकी लोकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा इट गिव्स राइज टू सिक्स मेन हारमोन्स हम लोग देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सिक्स हारमोन हैं उसके लिए आपको याद रखना है स्टूडेंट मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ निमोनिक जिसको कि हम लोग फ्लैट पीजी से याद रखेंगे फ्लैट पीजी फ्लैट मीन्स एफ F stands for FSH, L stands for LH, A stands for ACTH, T stands for TSH and P stands for prolactin and G stands for growth hormone. So flat PG का मैं काफी detail में discussion मैं anterior pituitary से जो निकलने वाले hormones उनको हम लोग separate देखेंगे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको shortcut trick बता रही हूँ कि आप कैसे learn करेंगे कि anterior pituitary gland से कौन से hormones निकलते हैं तो आपको मैं फिर से यहाँ पे बता दू फ्लैट पीजी का मतलब एफ फॉर एफ एस एच एल एच ए सी टी एच टी एस एच एंड पी स्टैंड फॉर प्रोलैक्टिन एंड जी फॉर ग्रोथ हार्मोन दिस इज ग्रोथ हार्मोन अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये आता है कि जो इसका एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है वो कौन से हार्मोन्स को सिक्रिएट करेगा उसका क्या रोल होगा तो जो इंटरमीडिएट uh, पार्ट है पिट्यूटरी का वो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हारमोन लेकिन इसका कोई भी रोल फंक्शनल uh, रोल नहीं है पिगमेंटेशन स्किन में पिगमेंटेशन ऑफ स्किन में लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पॉस्टीरियर पिट्यूटरी को तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले दो हार्मोन्स है आओ एओ आपको याद रखना है

तो बहुत ही अगर हम लोग क्लियर कट बात करें स्टूडेंट्स तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो स्टोरेज रिलीजर सेंटर है आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पोस्टीरियर पिट्यूट्री जो है वो किसी भी हार्मोन को फॉर्मेशन नहीं कर रहा है वो क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है सीक्रेट सिक्रीट कर रहा है एओ को एंटी सॉरी ए एंड ऑक्सीटोसिन और एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा फ्लैट पीजी और इंटरमीडिएट के लिए एम एस एच और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया हाइपोथैलेमस जो अटैचिंग पॉइंट है उसको इनफंडी बोलेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को ही हम लोग कंट्रोल सेंटर बोलते हैं और सारे के सारे मैंने आपको बताया कि इसको लोकेशन इसकी जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस है मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है क्योंकि ये रेगुलेट करता है बाकी सारे हार्मोन्स को उसका साइज पी के साइज से कंपेयर किया गया है स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आ, क्या कौन कौन से से जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है उसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू देखेंगे कि ग्रोथ हारमोन अगर ग्रोथ हारमोन की बात करें हम लोग यहाँ पे फ्लैट पीजी वाले पोर्शन में तो ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल है अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है और हाइपर सिक्रीशन में क्या कंडीशन होंगी और उसके बाद मैं कुछ आपको डिसऑर्डर्स रिलेटेड बताऊंगी रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन्स तो बहुत सेपरेट वीडियोस मुझे कई पार्ट में बनाना पड़ेगा एंडोक्राइन सिस्टम का सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज सो स्टूडेंट्स आई होप विल मीट सून विद नेक्स्ट वीडियो थैंक यू तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू बाय बाय